नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए एक बड़ी अच्छी खुश खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे से सटी जमीन पर ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाई जाएगी। जल्दी ही यमुना विकास प्राधिकरण इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। कहाँ होगी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे सेक्टर 21 जो फिल्म सिटी का सेक्टर है और जेवर एयरपोर्ट के बीच की जमीन पर सेक्टर 28 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बसाई जाएगी। क्या तैयारियां हो रही हैं? किन किन गांव की जमीन पर बनाई जाएगी यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? कितने लोगों को मिलेगा इससे रोजगार? दोस्तों, एक निवेदन करना है आप सभी से। अभी तक आप हमारी खबरें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अब यमुना विकास प्राधिकरण, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, टप्पल बाजना, राया मथुरा अर्बन सेंटर, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा सहित आसपास की बड़ी खबरें आप हमारे नए यूट्यूब चैनल जागो हिंदुस्तान पर लगातार देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, खबरों का नया नजरिया, नए मुद्दे, नए सरोकार, साथ में अजब गजब और रोचक दास्तान, लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। किन किन गांव की जमीन पर बनाई जाएगी यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? कितने लोगों को मिलेगा इससे रोजगार? और क्या होगा इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बनने से क्या लाभ मिलेगा क्षेत्र के लोगों को? आइए देखें पूरी रिपोर्ट। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 28 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बसाई जाएगी। जी हाँ, एक तरफ सेक्टर 21 फिल्म सिटी का सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे पर और दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, इन दोनों के बीच है सेक्टर 28। यमुना एक्सप्रेसवे से सटे इस सेक्टर 28 में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी यानी ईवी सिटी बसाई जाएगी। 100 एकड़ जमीन पर यह सिटी विकसित की जाएगी। यहां पर ई रिक्शा, स्कूटी, बाइक, कार और लिथियम बैटरी का उत्पादन होगा। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार ईवी सिटी में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लैब टेस्टिंग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ग्रीन इनोवेशन सेंटर आदि की सुविधाएं सभी उद्यमियों को दी जाएंगी। प्राधिकरण के अफसरों के अनुसार यमुना सिटी में बनने वाली इस ईवी सिटी में एक ही छत के नीचे उद्यमियों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। ईवी सिटी के पहले चरण में ई रिक्शा, छोटी स्कूटी का निर्माण होगा, जबकि अगले चरण में यहाँ पर कार और बाइक समेत तमाम तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएंगे। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन को इस संबंध में सैद्धांतिक अनुमति दे दी गई है। 50 इकाइयां शुरू में लगाने के लिए उद्यमी तैयार भी हैं। जल्दी ही उद्यमियों को जमीन आवंटित कर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। वर्ष 2018 में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अपनाई थी। यमुना विकास प्राधिकरण भी इस पॉलिसी को अपना चुका है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जहां पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी, वहीं वाहन सस्ते मिलेंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को भी यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से खासी सहूलियत मिलेंगी। क्या क्या सहूलियत मिलेंगी, आइए यह भी जानें। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकाई लगाने वाले लोगों को 50% ब्याज में छूट मिलेगी। 7 साल तक यह छूट मिलेगी और यह पैसा सरकार वहन करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 5% की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ड्यूटी 10 साल के लिए माफ होगी। स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। स्टेट जीएसटी में 10 साल तक 90% की छूट मिलेगी। 200 कर्मचारियों तक पीएफ में भी सरकार सहयोग करेगी। यमुना सिटी में बनने वाली यह ईवी सिटी कहां होगी, आइए यह भी जानें। यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे फलेदा कट पर सेक्टर 28 में यह ईवी सिटी होगी। यमुना सिटी में बनने वाली यह ईवी सिटी एकदम प्राइम लोकेशन पर होगी। टॉय सिटी के नज़दीक होगी यह ईवी सिटी और जेवर एयरपोर्ट तथा फिल्म सिटी के सेक्टर 21 के बीच होगी यह फिल्म सिटी सेक्टर 28 में। स्थानीय लोकेशन की बात करें तो नगला, भटौना, तिलथली, चकबीरमपुर, तनाजा और मुरादगढ़ी गांव की जमीन पर होगी यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ईवी सिटी के निर्माण से जहां स्थानीय लोगों को खासा रोजगार मिलेगा, वहीं यमुना विकास प्राधिकरण में भी खासा निवेश होगा। आप लगातार देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर यमुना विकास प्राधिकरण
जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी की न्यूज अपडेट। आगे भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जिन साथियों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी यमुना विकास प्राधिकरण की न्यूज अपडेट। सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ नमस्कार।